गोवा आने के लिए। तो मतलब ये सीट मेरे लिए ना परेशानी का ही है, मुझे लग रहा है ये सीट हटा ही दूंगा। तो जी अपनी पैकिंग हो चुकी है, ये बैग रेडी है, की रेडी। और जैसे कि मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था मोनिका से हो गया झगड़ा, तो एक्चुअली मैंने प्लान बनाया था मोनिका को प्रैंक करने का, बट अक्षु भी शामिल था, वो भाग गया स्कूल। अब मुझे अकेले को ही संभालना पड़ेगा। मोनिका कर रही है काम उधर पीछे की तरफ, और अभी मैं जाके बोलता हूँ मोनिका से कि मैं निकल रहा हूँ। एक्चुअली मैं जा रहा हूँ पुणे, आपको बता दूँ, बट ट्राई करूँगा मेरी हंसी ना छूटे। कल तो मैंने संभाल लिया था शाम को जैसे तैसे करके, कल से बात नहीं करी ज़्यादा, तो अभी देखते हैं कैसा असर पड़ेगा। अच्छा मोनिका चलो ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बाय। काफ़ी टाइम हो गया ना तुम्हें परेशान करते करते, झगड़ा करते करते, अब नहीं रुकूंगा बिल्कुल भी, इस बार मेरा पक्का हो गया है। अब मुझे पता है ड्रामा। नहीं नहीं चलो ठीक है बाय। क्या हुआ? तो भी आपका ड्रामा चालू है। ड्रामा नहीं है, जा रहा हूं मैं। मजाक कर रहा हूँ। मैंने अक्षु ने प्लान बनाया था तुम्हारा पागल बनाने का, नहीं बनता। पुणे जा रहा हूँ, गाड़ी की सर्विस बुक कर रखी है पहले से ही, मैंने अक्षु को बता रखा है। हम दोनों ने प्लान बनाया था कि मैं चुपचाप जाऊँगा झगड़ा करके तुमसे, और तुम्हें ये दिखा के जाऊँगा कि मैं जा रहा हूँ भाई छोड़ के तुम्हें। ऐसा नहीं है, बोलना पड़ गया फाइनली, पर हाँ जा तो रहा हूँ ये पक्का है। झगड़ा कम करना आगे से ना, वरना सच्ची में चला जाऊँगा, इस बार तो मैं झूठ मुठ के ही जा रहा हूँ। चलो ठीक है, निकाल दिया जी बाहर। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज अपन ना बिल्कुल अकेले ही हैं, अकेला ही निकल रहा हूँ मैं, और आज की वीडियो में बहुत सारी जानकारियाँ आप मिलेंगी, जैसे कि आज मैं नए रूट से जाऊँगा, तो एक तो बेस्ट रूट कौन सा है गोवा आने के लिए, पुणे साइड से या किधर से भी मतलब एंटर करने के लिए, तो वो भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा मैं इस रूट को देख के। और बाकी क्या क्या काम होने हैं, गाड़ी में सर्विस कराने जा रहा हूँ, तो कुछ चीज़ें चल रही थी, कुछ एक दो चीज़ें थी जो मुझे वो भी करानी थी, तो इसीलिए मैं डिसाइड किया कि पुणे सर्विस कराता हूँ। वहाँ पे अपनी जान पहचान भी है अच्छी, और काम भी अच्छा होता है, एटलीस्ट वहाँ पे सामान भी सारे मिल जाते हैं, कुछ सामान की अगर लगता है नीड है, वरना यहाँ से बोलते मुंबई जाओगे, मुंबई से फिर यहाँ सामान आएगा, सर्विस में लग जाते हैं 15 दिन, और ऊपर से अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, तो वो भी दिक्कत। ये मैं जो आज रास्ता ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मोले साइड से, और आगे सीधा बेलगांव होते हुए इधर से निकलना है। तो ये रोड मैंने बहुत कम गया हूँ, इससे दो बार गया हूँ शायद, एक या दो बार बस, तो देखते हैं कैसी कंडीशन हो रखी है इसकी। अम्बोली साइड से तो मैं आता ही रहता हूँ, उधर का रोड फिर भी ठीक है। अभी मैं सीधा कैपे निकलता हूँ। पे क्रॉस हो गया है, अब आगे निकल गए, और अभी आएगा आगे उड करके कुछ नाम है, नाम भूल गया फिर से, हर बार जगह का नाम भूलता हूँ इसका मैं। चलो चल के देखते हैं एक बार। तो उड चढ़े क्रॉस हो गया है, और अब मुझे नेविगेशन लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे जाके ना जंगल का रास्ता है, कहीं से ऐसी जगह से कट जाते हैं जैसे क्या पता ही नहीं चलता, कहीं अलग पहुंच जाऊं। तो मुझे यहाँ से बेलगमी का नेविगेशन लगाना है। रोड अभी तक अच्छा है इधर का, ये रोड सही है, आगे जाके ख़राब मिलेगा शायद जब हम कर्नाटका में एंटर करेंगे तब। इधर से कुछ आवाज़ आ रही है किट 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 की, शायद इसके सॉकर की है या फिर अंदर कुछ ब्रेक्स वगैरह की है। चलते हुए आती है, कभी आती है कभी बंद होती है।
परेशान हो, देखता हूँ। और तो अभी आनी बंद हो गई, कभी आ रही है कभी नहीं आती है। जैसे ही ब्रेक ले रहा हूँ मुझे लग रहा है ब्रेक पैड की आवाज़ है, क्योंकि ब्रेक लेने पे ही ना आवाज़ आती है, किट 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 इस तरह की सॉर्ट थोड़ी सी आवाज़ है। अभी नहीं आ रही, शीशे खोल के चलानी पड़ रही है गाड़ी, क्योंकि गाड़ी के एसी की कूलिंग जो है बहुत कम है, शायद गैस वैस निकली है या तो कुछ दिक्कत हुई है 4-5 दिन पहले। यही ज़्यादा काम जो थे यही थे, बड़े बड़े एसी का हुआ, उसके बाद में फिर सर्विसिंग तो है ही है, और छोटे मोटे और भी काम है, अब ब्रेक पैड वगैरह भी सारे चेक कराने हैं, काफ़ी सारे मतलब छोटे मोटे मिला के काफ़ी काम हो जाते हैं। और लास्ट टाइम का याद ही आपका गोवा का, नट बोल्ट ही लूज छोड़ दिए थे उन्होंने टायर के, तो इसलिए मैंने इस बार सोचा कि नहीं इधर कराता ही नहीं, पुणे चलते हैं अपने, वहाँ विश्वास का काम तो होता है, एटलीस्ट पैसा थोड़ा ज़्यादा जाएगा पर कोई दिक्कत नहीं। तो ये अभी मैं घुमाऊँ फोंडा टू मोले हाईवे, सीधा आगे निकल जाता है बेलगवी, अब इसी को पकड़ के चलते रहना है। अभी भी मोले में बचा है लगभग यहाँ से 13 किलोमीटर के आसपास, 13-14। अच्छा है अभी यहाँ तक तो अच्छा मिल रहा है, गोवा के अंदर तो ठीक ठाक ही मिल जाते हैं रोड, दिक्कत आती है जो कर्नाटका और उधर की तरफ महाराष्ट्र अंबोली रोड पे आते हैं। तो मोले पहुंचने वाले हैं, और स्पीड वाले बाकी इस हाईवे पे आपको पुलिस बहुत मिलेगी, क्योंकि काफ़ी बाहर के लोग आते हैं ना, तो इस रोड को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मोले क्रॉस हुआ है, और अभी अब रोड ऐसा मिलेगा पूरा जंगल जंगल के अंदर, तो ये पूरा ना घाट का रास्ता है, और अभी काफ़ी दूर तक ऐसे ही चलते जाना है। साइड में पूरा नीचे खाई है बहुत गहरी, और दूर तक का व्यू आता है, मगर अभी धुंधला हो रखा है थोड़ा, और इस पे एक्सीडेंट वगैरह बहुत होते हैं, बहुत संभल के चलना चाहिए पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि ढाल पे आती है गाड़ी और कर्व बहुत ज़्यादा है इस पे। यह है कुछ इधर की खूबसूरती, ये पूरा ऐसे ही नीचे तक दिखता है। यहाँ पर मुझे मिली साइड, यहाँ पर और भी गाड़ियाँ रुकी हुई हैं, बस यही इस रोड पर ध्यान रखो हमेशा, जब भी रोक रहे हो तो साइड जरूर ले लो, क्योंकि रास्ता जाम होता है यूजुअली, बहुत से लोग ना बीच में खड़ी करके और फिर से वहीं पे फोटोग्राफी स्टार्ट कर देते हैं। और वाटरफॉल इस रोड पे मतलब आपको काफ़ी मिलेंगे, यहाँ पे भी एक वाटरफॉल है, पीछे से भी आ रहा है और नीचे भी जा रहा है, आवाज़ आ रही होगी पानी की, और तो पीछे से वाटरफॉल आ रहा है। अभी हम एंटर कर्नाटका में, अभी सीमेंटेड रोड आ गया, अभी तक हम चल रहे थे गोवा के अंदर। वैसे तो चेक पोस्ट जो पड़ता है लास्ट वो मोले में ही पड़ता है, उसके बाद नहीं पड़ता, आरटीओ चेक पोस्ट है वहां पे। आहा, अब थोड़ा रोड खराब मिलने वाला है हमें, अभी तक तो रोड बहुत अच्छा मिल रहा था, थोड़ी दूर सीमेंटेड मिलेगा, रोड पतला है ये बहुत। तो ये है अनमोड करके जगह कर्नाटका में, और अब रोड ख़राब वाला मिलेगा मुझे आगे, लगभग 100 किलोमीटर चल गया हूँ पूरे में यहाँ तक, और अभी आगे को ज़्यादा चलना है, क्योंकि साउथ गोवा से लंबा पड़ रहा है। अब रोड अभी तो ऐसा मिल रहा है, आगे भी शायद टूटा हुआ होगा, आगे थोड़ा बना हुआ दिख रहा है, चलो देखते हैं क्या हाल है, कैसा मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा, आगे चलने पे पता चलता रहेगा।
गया था, ये पैच था टूटा हुआ, अभी भी है थोड़ा थोड़ा, पर मिट्टी डाल के अभी उसको कर दिया है, थोड़ा रिपेयर हो गया, वरना यहाँ पे तो मेरी हालत ख़राब हो गई थी। ऊपर से मेरी गाड़ी का टायर भी एक फट गया था इधर टियागो का, पर पहले से बेटर कर दिया अभी इसको, काफ़ी थोड़ा बहुत तो मिलेगा ही। तो अब ये पूरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसके अंदर से ही निकलेंगे अब, पूरा जंगल। ये रोड है, ये काफ़ी टूटा हुआ मिल रहा है यहाँ पे, ये देखते हैं कितने किलोमीटर का होगा, लगभग 1 किलोमीटर चला है ऑलमोस्ट इस पे ऐसे ही। ये थोड़ा सा टूटा हुआ है यहाँ पर पार्ट, रोड नहीं है मतलब, पर हाँ थोड़ा ये है कि गड्ढे भी इतने नहीं हो रखे, एक सार हो गया है, पहले ये गड्ढे थे बहुत गहरे। करीब 7 किलोमीटर के आसपास पड़ा मुझे जो टूटा हुआ रास्ता था ना, अभी ऐसा रोड मिला है बहुत पतला मतलब साइड वाइड लेने में दिक्कत होगी, बहुत पतला सा रोड है। तो झटकों में इस सीट ने बड़ा दुखी कर रखा है मुझे, ये सीट ना बड़ी आवाज़ कर रही है चू 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 जैसे ही झटकों में चलता हूँ तो, और अगर कोई बैठा होता है तो फिर ठीक है शांत रहती है, पर इस पर बैठती है मोनिका तो फिर भी ये आवाज़ ही करती है, फिर मोनिका कुछ ना कुछ बोलती रहती है, डांटती रहती है कभी कुछ, गुस्सा करना छोटी छोटी बातों पर। तो मतलब ये सीट मेरे लिए ना परेशानी का ही है, मुझे लग रहा है ये सीट हटा ही दूंगा तो मोनिका भी पीछे ही बैठा करेगी, सोचा हूँ निकलवा के छुट्टी करूँ इस सीट को तो अभी कोई कहनापुर कुछ करके जगह है, नाम भूल गया हूँ मैं अभी उसका, और पुणे दिखा रहा है लगभग लगभग 7:30 या 8 बजे तक रात शाम को यहाँ से, अभी भी लगभग 370 या 360 किलोमीटर है। ये देखो यहाँ पे ना साइड लेना बड़ा मुश्किल काम है, बहुत कंजेस्टेड रोड है ना पतला। ये लो जी रोड पे आ गए हैं पशु, निकलने देते हैं इनको आराम से, और फिर से बादल हो गए, धूप निकल आई थी बीच में, अभी फिर से अच्छे वाले बादल दिख रहे हैं पूरी, चलो धूप तो चली गई है, सीनिक तो है रोड मगर कंजेस्टेड बहुत अभी इस पे, या तो ट्रैफिक ना हो ज्यादा तब मजा है बस। तो फाइनली हाईवे पकड़ लिया, बेलगांव क्रॉस करना बहुत मुश्किल है, बहुत बड़ा मतलब ट्रैफिक रहता है, ऐसे हमें लेना है हाईवे पे। चलो जी अब आराम आराम से चलना है। थोड़ी सी देर आराम करा, गाड़ी वाड़ी चेक करी है अभी, और अब आगे निकल रहा हूँ। अकेले चलाने में मजा तो नहीं आता, खैर अकेले में बोर होते हैं, मोनी का साथ होती है तो थोड़ी बहुत बात वूत भी होती रहती है, फिर थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़े हल्के हल्के वो चलते रहते हैं, तो उसमें क्या होता है टाइम बड़ा अच्छा कटता है, और तो बात है टाइम कटता रहता है एकदम। खैर अभी निपानी बचा है लगभग 65 किलोमीटर, और टाइम मुझे हो गया है लगभग लगभग पूरे 4 घंटे चलते हुए, सुबह से लेट ही निकला था, लगभग मैं 9:40 पर चला था गोवा से, तो तब से रुका कहीं नहीं था, तो बस ये हाईवे मैं सोचा था पकड़ लूँ एक बार, उसके बाद तभी रुकूँगा आराम से। हाईवे खूबसूरत है, ये बरसातों में तो और भी मस्त हो जाता है, ट्रैफिक है थोड़ा ज़्यादा। सिंगल ये चल रहा है उधर काम,
एक लेन का, एक ही लेन पे दोनों तरफ का ट्रैफिक है। अभी बीच में डिवाइडर दिया है, वैसे अच्छी चीज़ ये है, काफ़ी लंबा है, सिंगल ही चलना होगा। तो हर बार जो जाता था, मैं जाता था इस रोड से, ये यहाँ से कट जाते हैं अम्बोली के लिए, और इस रास्ते से मुझे अभी जो टाइम लगा है, जो मैं इधर से आया हूँ बेलगांव होते हुए, तो मुझे लगा है 5.25 घंटे। तो अम्बोली की तरफ से जो टाइम थोड़ा और ज़्यादा लगता है, 5.5 से 6 घंटे लग जाते हैं इधर से। तो मैंने सोचा कि चलो इस बार देखते हैं इस रोड को, बाकी बता दूँगा अभी कैसी कंडीशन हो रखी है ख़राब थोड़ा। तो आप मान के चलो ये वाला रोड ना लगभग बीच में ख़राब है, करीब मान के चलो दो पैच ख़राब हो रखे हैं। एक जगह 7-8 किलोमीटर का है, दूसरी जगह भी इतना ही है लगभग 5-6 किलोमीटर का। अम्बोली वाला रोड है उस पर भी थोड़ा ख़राब मिलेगा, वो मतलब ज़्यादा मिलेगा, मगर उस पर करीब 20-30 किलोमीटर का आपको जो है ख़राब मिलेगा। अभी कुछ गड्ढे भर गए थे लास्ट टाइम गए थे, तो कोई भी गोवा आ रहे हैं तो अपना ये बेस्ट रूट देख सकते हैं अपना, ये वाला भी अच्छा है जिससे मैं आया हूँ आज बेलगावी साइड से। और अगर आप पंजिम से आ रहे हो तो इधर से भी बेस्ट रहता है, पंजिम का टाइम इधर से कम लगेगा अम्बोली साइड से। तो जी अभी अपन एंटर हो गए हैं महाराष्ट्र में, बस 15 मिनट यहाँ रुका था टोल क्रॉस करके, और चाय और एक बड़ा पाव खा के अब चल दिया आगे। लगभग टाइम हो गया है 3:40 के आसपास, टाइम तो लग गया है थोड़ा, पर आराम आराम से चल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं जा रहा। अकेला होता हूँ ना तो ज़्यादा टेंशन रहती है, जिम्मेदारी भी ज़्यादा होती है। ये साइड में ना पहाड़ दिखते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं इस हाईवे से, और बरसातों में तो ये और भी लाजवाब होते हैं, पूरे ग्रीन दूर से दिखते हैं। अभी तो मिस्ट सा हो रखा है हल्का, और मैं अभी सतारा से हूँ 40 किलोमीटर पहले, आगे नहीं हूँ पहले ही होगी, तो बहुत आराम से चला जा रहा है। चलो जी निकलो भाई निकलो, कभी कभी कोई बहुत जल्दी में होता है, ट्रैफिक भी थोड़ा ज़्यादा है, तो इसलिए अपना 80-90 इतने चल रहे हैं, इससे ऊपर नहीं चलते। पुणे बचा है अभी भी 150 किलोमीटर के आसपास, 3 घंटे लग जाएंगे, और 5:15 हो रहे हैं अभी, तो लगभग 8 बजे तक पहुँचूँगा अराउंड मान के चलो। और आज बादल हो रहे थे, सूरज तो दिखा ही नहीं, दिन अभी छिप ही गया समझो, और सामने टोल भी आ गया। तो चलो भाई पहले टोल कटवा लें अपना गाड़ी का। ये डांस करते हुए जा रहे हैं, ये ना ट्रॉली ऐसे लहराती है, कभी इधर राइट लेफ्ट, दो ट्रॉली आगे पीछे जुड़ी हुई है गन्ने की, तो ये बहुत खतरनाक होता है। कई बार कोई ओवरटेक कर रहा हो वो डर जाता है, या उसकी गाड़ी मतलब डर से कई बार डिसबैलेंस हो जाती है कि कहीं मेरे ऊपर ना आ जाए। तो जी अपन अभी पहुंचने वाले हैं सतारा के पहाड़ आ गए, मगर अभी ये सारे सूख गए, घास ना सब सूख गई, वरना ग्रीन होती थी तो बहुत बढ़िया लगते हैं ये। ये अभी हाइट है, यहाँ पे बड़ा स्लो चलते हैं ट्रक, तो बहुत ही स्लो चढ़ते हैं। तो हाईवे अभी हो गया है 6 लेन, अभी तक 4 लेन था, अब यहाँ से आगे वो 6 लेन हाईवे मिलेगा,
अगर आप साउथ गोवा की तरफ जा रहे हो तो जिस रास्ते से मैं आया हूँ बेलगवी, वो बेस्ट है। और अगर आप पंजिम की तरफ जा रहे हो, मतलब नॉर्थ गोवा साइड, तो फिर अम्बोली वाला बेस्ट है इधर पुणे साइड से अगर आप आ रहे हो तो। बाकी अभी पुणे पहुंच चुके हैं, 2-3 दिन पुणे में अब रहेंगे, 2 दिन लगे हैं, कितना लगेगा टाइम देखते हैं। कल फिलहाल देनी है गाड़ी सर्विसिंग के लिए और देखते हैं क्या होगा। अभी फिलहाल बस 10 किलोमीटर और बचा है, अभी मैं पहुंचने वाला हूं। टोटल गाड़ी चल गई है सुबह से 530 किलोमीटर, अभी 10-15 किलोमीटर और चल जाएंगे। आज की वीडियो में थोड़ी सी आपको वॉइस थोड़ी सी डिस्टर्ब लगी होगी, बिकॉज एसी नहीं चल रहा था गाड़ी का, और एसी नहीं चल रहा था मुझे ना विंडो के शीशे नीचे करके चलानी पड़ रही थी, तो इसलिए साउंड थोड़ा सा आ रहा होगा आपको ज़्यादा। अभी मैंने बंद कर रखे हैं शीशे क्योंकि अभी गर्मी नहीं बची इतनी, और इधर थोड़ा ठंडा है शाम में, दिन में तो वरना गर्मी थी, आज पसीने निकल रहे थे। सो गाइस, होप करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना, बाकी सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। तो चलो मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।